14 लोगों की मौत हुई है। उसी तारतम्य में पुलिस मुख्यालय भोपाल से श्रीमान आईजीपी महोदय के माध्यम से डीआईजी महोदय के निर्देश में लगातार हम लोग निर्देशित किया गया कोई अवैध निर्माण शराब का हो रहा हो या क्रय विक्रय हो रहा परिवहन हो रहा हो जहरीली शराब के विरुद्ध मुहिम चलाकर कार्रवाई करें। इसी तारतम्य में रात्रि में थाना बड़वा में थाना प्रभारी श्री संजय जी को सूचना प्राप्त हुई कि अवैध रूप से दुकानदारी में ओपी जो स्प्रिट बोला जाता है वो भर के जा रही है बड़वा से धनगांव साइड जा रही और बिल्कुल पुलिस टीम बनाकर थाना प्रभारी ने अपने टीम लेकर घेराबंदी की जिसमें फिर तूफान गाड़ी पकड़ाई है। तूफान गाड़ी पकड़ाने में उसमें 310 लीटर 10 केनों में भरे हुए अवैध स्प्रिट पाई गई जिसको जब्त करके कार्रवाई की गई। उसमें गाड़ी में तूफान गाड़ी में बैठे हुए क्लीनर साइड में बैठा हुआ व्यक्ति भाग गया ड्राइवर पकड़ा गया है। और इसमें पूछताछ में ये बात भी आई कि मोटरसाइकिल से एक मोटरसाइकिल में दो व्यक्ति बैठ के रेकी भी कर रहे थे और उनके खिलाफ भी नामजद हमने मुकदमा दायर किया है। अब तूफान गाड़ी किसकी है कहाँ से माल लेकर आ रहे थे और कहाँ डिलीवरी करना है इस बारे में शेष आरोपियों को पूछताछ कर कार्रवाई की गई। गाड़ी कहाँ की होना पड़ेगी सर? सगीर नाम के व्यक्ति के यही बड़वा की गाड़ी होना अभी तक ज्ञात हुई है। चालक की रिमांड ली जाएगी? चालक का पुलिस रिमांड लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जो आरोपी पकड़ा था इस पर पूर्व के प्रकरण कितने दर्ज है? पूर्व में 34-2 में बंद होना पाया गया बाकी रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं।